तो देखो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, सिंपल डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। गिल और वीरू, ठीक है, गिल और वीरू, पहली चीज़ गिल और वीरू इन लोगों को साइड में रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अभी मेरी टीम में चार बंदे हैं, हम लोग पीएम बीजीएस खेले, हम लोग पीएमजीसी खेले, ठीक है। लोग गाइडेंस की, मेंटरशिप की बातें करते हैं, अगर मेरा पहली चीज़ गाइडेंस और मेंटरशिप पर ही बात कर लेता हूँ, मेरा गाइडेंस और मेंटरशिप अगर गलत होती ना, जब से हम लोग गेम खेल रहे तब से हम लोग ये सीन में डोमिनेट कर रहे हैं। मुझे एक कैसा टूर्नामेंट दिखा, ऑफिशियल टूर्नामेंट, जब मेरी टीम वो टूर्नामेंट खेली नहीं है, फाइनल खेली नहीं है, उसमें परफॉर्म नहीं किया है। अभी रिसेंट हमारे क्या बोलते हैं उसको, रिसेंट हमारे परफॉर्मेंस, जिससे कि हम लोग खुद खुद शर्मिंदा थे, खुद हमको बहुत सारी चीज़ें गलत लग रही थी, वो चीज़ें से ऑब्वियसली यार, मतलब क्या होता है ना, एक आदमी होता है, एक आदमी, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ऑलरेडी मोटिवेशन टूटा हुआ था, ऑलरेडी बहुत अंदर से हम लोग टूटे हुए फील कर रहे थे वो टूर्नामेंट के बाद। हम खुद टूट टूट गए थे, हमारा हमारे फैंस टूटे हुए थे, हमारा ऑडियंस टूटा हुआ था, सारी चीज़ें हो गई थी। और उसमें अगर कोई भी ऐसी चीज़ें करता है वो टाइम पे, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और लोग बोलते हैं कि हमने थोड़ी बोला, वो तो लोगों ने शेयर किया था, हम लोगों ने भी शेयर किया। जब कोई टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करनी है, वो उधर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, एंड देन यू पुट अ स्टोरी लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? आई थिंक मैं छोटा बच्चा हूँ जो मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं रही, आप मुझे समझाओ कि इसका मतलब क्या होता है। इतना हम लोग अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे थे, उसमें ऐसी चीज़ें आती है, बाद में फिर लोग वही चीज़ स्पैम कर रहे हैं, चैट में आके गालियाँ दे रहे हैं, लोग हमको चीज़ें को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। मैं ऑनेस्टली अभी क्या बोलूँ, मतलब मैं जब